अच्छा होमवर्क का पहाड़, अच्छा होमवर्क का पहाड़ रखू था बारिश के ऊपर। चाय गर्मा गर्म चाय। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 10:45, तो अरुष क्लास जा चुके हैं और उनका भी छूटने का टाइम हो रहा है, तो मैं लेने जा रही थी। मैं सोची चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और ब्रेकफास्ट तो हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है, सब अपने अपने काम पे लगे हैं। आरुष क्लास गए हैं, आधी होमवर्क कर रही है, पापा टीवी देख रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो मैं सोची चलो फिर मैं भी ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, फिर इसके बाद जाती हूँ आरुष के लेने, क्योंकि टाइम हो रहा है उनका छूटने का। 9 से 11 हो गया है। पहले अदिति के साथ में था, अब टीचर ने उनका टाइम चेंज कर दिया है, क्योंकि जो आदि को पढ़ाती थी आरुष को, तो बोल रही हैं कि मतलब मुझे कुछ बोलने नहीं होता आरुष को, और आरुष बातें करते बैठते हैं, उनसे भी करते हैं, बच्चों से करते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं मैं उसको डांट नहीं सकती। तो उनकी मम्मी का रहता है, 9 बजे में वो लेती हैं उनकी मम्मी, तो उनके साथ शिफ्ट किया है आरुष को। अब देखो वो क्या करती है, वो हैंडल कर पाती कि नहीं कर पाती है, देखते हैं अभी। तो काम तो हो गए हैं सारे, और मैं आज लंच में बनाने वाली हूँ इडली सांभर और चटनी। तो कल भिगाई थी, बैटर रेडी हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह तक नहीं होएगा, क्योंकि मैं सोडा वगैरह नहीं डालती हूँ ना इडली के बैटर में, तो मुझे लगा था शायद मौसम एकदम ठंडा हो गया है, बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो मुझे लगा था रेडी नहीं होएगा, तो फिर शाम में बना दूंगी डिनर के टाइम में। बट बैटर अच्छे से रेडी हो गया है, तो अभी वही बनाने वाली हूँ। और सारी तैयारी कर ली हूँ, चटनी पीस के रख दी हूँ, सांभर की तैयारी कर ली हूँ, दाल बन गई है, और जो सब्जियाँ होती हैं सिंगर वगैरह कद्दू सब फ्राई करके रख ली हूँ, बस बनाना ही बाकी है। तो अभी जा रही हूँ आरुष को लेके आती हूँ, फिर बनाना स्टार्ट। बहुत ज्यादा होमवर्क मिला है यार उसको, बहुत ज्यादा होमवर्क मिल गया है। ऐसा लगता है कि रखते। अरे ऐसा लग रहा है यार उसके ऊपर पहाड़ रख उठा है, ऐसा है क्या? अच्छा होमवर्क का पहाड़, अच्छा होमवर्क का पहाड़ रख उठा है उसके ऊपर। पागल नहीं बन जाओगे, और ज्यादा दिमाग हो जाएगा तुम्हारे पास। पागल हो जाएगा कोई लिख के? ये सांभर के लिए सब्जियां फ्राई कर रही हूँ, और इडली तो एक बार मैं रख के गई अभी आज उसको लेने के लिए, तो इडली रख दी हूँ, बन रही है सेकेंड टाइम। एक बार तो रखी थी जब आरुष को लेने गई थी। और यहाँ पे चटनी भी रेडी है, तो चटनी में मैं तड़का लगा दे रही हूँ, कड़ी पत्ता और राई का। तो रेसिपी फुल शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नारियल की चटनी और सांभर की भी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे मसाले भून चुके हैं, तो यहाँ पे मैं दाल तुअर की बॉईल करके रखी थी, तो उसको ऐड कर दी हूँ। और इसके बाद नमक ऐड करके ढक के रख दूँगी, 5 से 6 मिनट में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सारी सब्जियाँ बहुत अच्छे से फ्राई करके ले ली थी मैं पहले से ही, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। और जब तक सांभर हमारा बन रहा है, तब तक इडली भी बन गई है, तो उसको मैं निकाल के प्लेट में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो इडली अभी जल्दी ही बनाई थी, बट अभी पापा आए हैं, उनको बहुत पसंद है, इसके लिए आज फिर से बनाई हूँ। ये देखो आरुष का धनुष बन गया, पीछे रख फाइनली। लकड़ी नहीं है वो, बाण बोलते हैं उसको, धनुष और बाण। हाँ, किसने बनाया? दादू ने। दादू कैसा बना है? मजे अच्छा। है तोड़ना नहीं अब? हाँ, नहीं तो तोड़ तोड़ के फेंक देते हो। आरुष बहुत कुछ
आधी रहने दो, मत छुआ दो, कोई भी मत करना, कोई भी टच मत करो। अच्छा बिना टच किए बताती हूँ, इतने सारे देखो धनुष भी बन गई और इतने सारे बाण भी बन गए है। अभी तो आरुष के मजे है। चलो मम्मी अब जाओ, अब आरुष खुश हो गए है दादू के आने का फायदा देखो। इनसे कभी बोलते थे ये जाते नहीं थे, कौन जाएगा झाल झुकके में तोड़ने के लिए लकड़ी। मैं कभी कभी आते जाते दिख जाता था तो तोड़ लेती थी कहीं से। तो यहाँ पे देखिए प्लेट लग गई है, आ जाइए आप लोग भी लंच के लिए। चाय गर्मा गर्म चाय। जा रही हूँ स्टेशन। बज रहे हैं 3:15 और हमारी चाय हो गई, मतलब लंच करके थोड़ा टाइम हुआ नहीं, चाय भी हो गई शाम की। तो शाम हुई भी नहीं है अभी, एक्चुअली पापा को निकलना है तो इसके लिए मतलब जब जाना ही तो ये सोचे कि लेट क्यों करे, क्योंकि बारिश भी कंटिन्यू हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, फिर ज़्यादा बारिश होगी तो प्रॉब्लम होगा। आदि आरुष मना कर रहे हैं मत जाओ मत जाओ, हम भी मना कर रहे हैं बट उनको कुछ काम है। हाँ हाँ गाड़ी का काम कराना है, उसके लिए बोल रहे हैं जाना ज़रूरी है, फिर बाद में आएंगे, देखते हैं। अभी आरुष के तो बहुत मज़े होते हैं, आदि आरुष के बहुत अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, कोई बड़ा घर में होता है तो एक अलग ही बात होती है, बट ज़रूरी है इसके लिए जा रहे हैं। बुला रहे आवाज़ दे रहे उनके, मैं कपड़े वगैरह दे देती हूँ। आरुष आ जाओ। कुछ किए हो कि कुछ भी नहीं किए जब मैं सोई थी? आरुष को होमवर्क कराना मतलब सर पे पत्थर मारना। ये सब देखो घर की हालत देखो, धनुष और बाण का कमाल है। धनुष बाण आरुष इसको रख के आओ, मुझे लाने दो ना। ठीक है मैं बोलती पापा को खा लेंगे। या होमवर्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी हिस्से की आइसक्रीम आरुष खाएंगे, लालची बंदर। रख के आओ, जाओ रख के आओ जल्दी। बारिश की आवाज़ आ रही है देखो, बंद नहीं हो रही है, कंटिन्यू बारिश होते जा रही है। और आज से लोग का क्लास भी स्टार्ट हो गया है आदि आरुष का कराटे का, बट नहीं जाऊंगी आज, आज फ्राइडे है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 दिन रहता है हफ्ते में, तो मंडे से लेके जाऊंगी, अभी आज नहीं जाऊंगी, मन नहीं हो रहा है। और बारिश भी इतनी हो रही है, अभी भीगने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि एकदम ठंडा है मौसम, तो कौन भीगेगा? पैदल जाऊंगी तो भी भीग जाऊंगी, स्कूटी से जाऊंगी तो भी भीग जाऊंगी, तो आज तो मन नहीं है मेरा जाने का। और आरुष ने वैसे ही एक कांड करके रखा है, मोबाइल पे सैनिटाइजर मार दिया है, मोबाइल बंद पड़ गई पापा की, ये बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं ना कि क्या बोलूँ मैं। फैमिली क्यों कर रहे थे तो बोलते क्लीन कर रहा था, बाहर जाते हैं उनको टच करते हैं, पता नहीं क्या क्या स्प्रे से मारा सैनिटाइजर, फोन पे बंद पड़ गया, चार्जिंग में लगाए थे सुबह से चार्जिंग नहीं हुई, अभी उनको फ़ोन लेना पड़ेगा, अगर हुई ऑन हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए भिंडी कट करके रख ली हूँ और आटा भी गूंथ ली हूँ, तो डिनर की तैयारी हो गई है। और आरुष पता नहीं क्यों आज बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो उनको मैं ये मखाना भून के दे रही हूँ, थोड़ा खाते रहेंगे तो उनका मन थोड़ा बहला रहेगा, पता नहीं क्यों कभी कभी एकदम छोटे बच्चे के जैसे बिहेव करते हैं, कभी कभी बहुत अच्छे से रहते हैं तो कब से चिड़चिड़ कर रहे थे, तो मैं बोली लाओ भून के दे देती हूँ, मखाना पसंद है उनको बहुत। और भिंडी रख दी हूँ यहाँ पे, भिंडी हो रही है तो जब तक मैं बना लेती हूँ पराठे, ये लोग को पराठे खाने हैं शादी वाले, तो मैं सोची चलो ठीक है रोटी नहीं बना के यही बना देती हूँ। अभी भी देखो आवाज़ आ रही है, बारिश हो रही है बहुत तेज अभी भी, और डिनर हो गया है, काम भी सारे फिनिश किए, अभी मैं जा रही हूँ आरुष का होमवर्क कराती हूँ, क्योंकि आरुष तो कब से रोने धोने में ही लगे थे इवनिंग से। और देखो इस पे खड़े होके तोड़ दिए इन्होंने, कल ग्लास तोड़े थे,
कांच का, और आज ये तोड़ दिए। कल ग्लास तोड़े तो बोलते हैं कि जाने दो टूटने दो, कांच है, कांच का टूटना अच्छा होता है, बचने के लिए ऐसा बोले। और अभी ये तोड़ दिए प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक के टूटने से क्या अच्छा होता है, कांच का तो मैं भी सुनी हूँ कि टूटता है तो ठीक होता है, बट प्लास्टिक का क्या होता है। कुछ नहीं बोले, चले गए, उनको पता ना अभी खिल्लाएगी तो चुपचाप से चले गए। और ये आरू से टूटेगा भी नहीं, कि आरुष उसको पैर रख के टूट जाए ना तो आरुष का नाम आ जाता है, मतलब घर में कुछ भी टूटेगा किसने तोड़ा, आरुष ने, मुझसे भी कुछ टूटता है किसने तोड़ा, आरुष ने। झूठ बोलना बुरी बात है, पर यहाँ पे बड़े बड़े भी झूठ बोलते और अगर आप लोग की मोबाइल भी गंदी हो गई है तो आरुष को बोलना कि सैनिटाइज कर देंगे, अपने दादू की तो ले भी थे। मैं सोची थोड़ा डांटू तो बोल रहे कि छोटे से बच्चे को कितना डांटोगे, जान लोगे क्या बच्चे की, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी है ना इनकी कि क्या बोलूं मैं। चलो फिर मैं ब्लॉग इन करती हूँ ना, तो आप लोग को पकाते बैठोगे तो 10 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा। ब्लॉग इन करते करते मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।